भाई बिल्लू जा मम्मी जी बताना यार फाइलों में साइन करवाने बहुत काम है यार। ए, पंजाबी किधर आ? ओ बल्ला 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 बल्ला। सारी एक्टिंग मारे ही सामने सब बेरा है मन्ने कोई फोटू वोटू है थारी या? ओ अच्छा यो सो भाग्य भी प्राप्त हुआ किसी को तो वो फोटू की अच्छी सी जो है बढ़िया सी मोटी वाली फ्रेम में अपनी फोटू ने बिठा और उसे ला यहाँ चौकी में इधर एंट्रेंस पे लगाऊंगी मैं खूंटी पे बिल्कुल और उस पे लगाऊंगी गेंदों का फूलों का हार। सावे, सावे। कुछ तो काम कर लो कुछ तो मतलब कोई भी माइन्यूट कताई चौकी की मंथरा होके मंथरा रहे यो नायक एरिया में जरा एक आध राउंड मार ले मैं ही जो है दो बाइक्स पे बिल्कुल ही डोलती फिरूं यहाँ से वहां कुछ काम पे लग लो करते करते चल हट चल हट चल हट चलो यार काम शुरू करो। बापू एक्सक्यूज मी मैडम क्यों क्यों करे तेने एक्सक्यूज लेजी लैड तू कहीं का घन चक्कर लग रहा है घन चक्कर नहीं मैडम शक्कर शक्कर तो मैं गया सिगंजी में घोलूं कि मैं शरबत में घोलूं शक्कर ने शरबत नहीं मैडम पर्वत मैं पर्वत हूँ मैडम मैं कोई पहाड़ वाला पर्वत नहीं हूँ मेरा नाम है पर्वत पर्वत पुजारी और ये है बेटी हमारी इमरजेंसी लाइट ऑन है तो यहाँ के तू अपनी लाइट का बल्ब फुड़वाने आया है वेल बेबी बेटी बेटी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द मैडम मैं हूँ शक्कर आ रहा है मुझे चक्कर डैडी ने फोर्स किया मैंने कंप्यूटर कोर्स किया ये तो बहुत ही गलत बात है अंकल जब आपकी बेटी कंप्यूटर का कोर्स करना ही नहीं चाहती थी तो आपने उससे जबरदस्ती कंप्यूटर का कोर्स क्यों करवा दिया जबकि वो इतनी पटाखा मतलब इतनी सुंदर सी है तो उससे कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा देते मैडम मैं बताता हूँ असल में बात यह है कि ये है मेरी बेटी शक्कर और इसको इसलिए आ रहे हैं चक्कर क्योंकि मैंने इसकी शादी एक अच्छे से बढ़िया से खानदान में तय की well, ये तो है खुशी की बात इस दा मैं खाने को तैयार हूँ हसीनाओं की लात इस दा With sandal. Sorry, sorry. चल हा, चल हा, चल हा, चल मैडम मैं बताती हूँ जिस लड़के से मेरे डैडी ने सगाई करवाई है उन लोगों को मेरे डैडी ने 50 लाख रुपए दिए हैं और अब जब शादी की बारी आई तो उन लोगों ने फिर 50 लाख रुपए मांगे अरे ये तो बहुत ही गलत बात है सरासर अन्याय है ये जुल्म है अत्याचार है शक्कर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा हूँ मतलब मैडम है ना तुम्हारे साथ ये सब सही कर देंगे ऐसे केसेज में है ना सबसे जो बड़ी गलती हो वह वो है तुम जैसे लोगों की क्यों क्यों पैसे देते हो बेटी की शादी कराने के लिए ऐसे कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं छोरों में जो यो दहेज की प्रथा चली आ रही और कतई खत्म ना होके दे रही बंद होना चाहिए सब ये बंद करवाओ सब ये चुप हो जा जरा कंट्रोल योर इमोशन और बुलवाओ जरा छोरे ने मैं भी देखूं कहां जड़े हैं उसके हीरे मोती जो लाखों की डिमांड कर रहा है ओके ओके फॉलो हिम Well, mom. फिर से आ। ये Well, mom. खड़ा होके बात कर Well, mom. जेब में से हाथ निकाल
वेल मॉम पेट अंदर ले वेल मॉम छाती बाहर निकाल वेल मॉम मैं मॉम ना हूं थारी जी जनाब सर मैडम वेल मैडम हिंदी में बात कर ये क्या है एक मिनट आप मुझे बता दो ना कान में मुझे बता दो वेल शी इज द फादर इज द एंड ही इज द मदर इज द एंड शी इज द लड़का इज द ओके ठीक मैडम ये जो है नमस्कार भाई क्या बात है मजा आ गया घनी खुशखबरी गुड न्यूज लौंडे की सगाई कर दी तुमने इसकी परपलिए की वाह वाह यार हमें तो खबर भी ना करी तुमने हम भी दावत उड़ा लेते चलो कोई नहीं शादी भी होगी अब तो कब है शादी अरे मैडम मेरा बस चले तो मैं यहीं अभी के अभी ब्याह कर लूं अपने लल्ला का मेरा लल्ला सुंदर है पति झचूंदर है अरे क्या बकवास कर रही हो तुम सुमित्रा सबके सामने देखिए मैडम अरे शादी मतलब बस अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी सबके सामने हा? लेकिन कैसे कुछ ही दिनों में कैसे हो जाएगी क्योंकि भाई तुमने तो जो वो करी थी ना केक कैब है उससे डिमांड कितने की 50 लाख की अरे नहीं नहीं मैडम इन्हें कोई गलत फहमी हुई है पैसे और हम सबके सामने नहीं नहीं देखिए मैडम मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और पैसे वाला भी सबके सामने हाँ लोगों के जूते पॉलिश करते थे ये। मेरा लल्ला सुंदर है पति झचूंदर है ओहो और यो है थारा परपलिया मेंढकी बेटा सूखे झरने के नीचे नहाती मंदाकिनी मैडम जी नाम है मेरा लल्ला मचा दूंगा हल्ला क्योंकि जिंदगी जोक है और मुझे नहाने का शौक है और हमारी मैडम को कोई नहीं सकता रोक है क्योंकि इन्हें आप जैसों को मारने का शौक है और मुझ जैसों को भी देखिए मैडम मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ घर में झूठे बर्तन मांजते थे ये well, अगर तुमने पैसे नहीं मांगे तो 3 दिन के बाद शादी से मत करना इनकार इज़दा हसीना अगर चटनी है तो मैं हूँ आचार इज़दा हाय सॉरी सॉरी अरे हाँ दद्दू तो हम कहाँ मना कर रहे हैं हाँ? अरे हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शक्कर बिटिया हमारे घर में बहू बन के आएगी बिटिया एक बात कहूँ अरे शगुन के रूप में तेरा माथा चूम लूँ एक बार प्लीज आ रही हूँ वेरी गुड और भाई तो फिर हाथ कंगन को के आरसी एंड पढ़े लिखे को के फारसी 3 दिन बाद अपने लौंडे की शादी करो फिर छोरी से हैं चलो भाई गुड न्यूज हैप्पी मैरिज इपठाना खाले करो पप्पा किसे बार बार पप्पा कह रहा है तुम्हें कह रहा है और किसे कहेगा मम्मी ये 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 मम्मी कह रहा है मम्मी नहीं तो क्या कहेगा पप्पा चौस कोई नहीं वाव 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 भैया आइए मैं आपकी चंपी कर दूं नो वेल जब जब चंपी करता है तू इज द मेरे मुंह से निकल जाती है आ ओ इज द भैया एक बात बोलूं ये जो आपके काले काले घने घने बाल अब तक है ना जिनसे आप हसीनाओं का शिकार करते हैं ये झड़ गए होते आप गंजे हो गए होते अगर मैंने इतनी तरह से इतनी बार आपकी चंपी ना की होती तो इसलिए भैया बकवास बंद कीजिए एक्सक्यूज मी मतलब भैया मेरी बात तो सुनिए आप सिर्फ चंपी करवाइए मैंने सुना है मोहल्ले में एक नई हसीना आई है ओह माय गॉड वेल अगर ये है बात इज़दा तो लगा चंपी वाला हाथ इज़दा सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए
अजी सुनती हो? तुम्हारी अम्मा ने जो रेडियो गिफ्ट में दिया है ना, अब बिल्कुल उनकी तरह है। हाँ, जिसका कोई भरोसा नहीं है। अरे कभी कोई गाना नहीं बजता, कू 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 की आवाज आती रहती है बस। एहसान अलग चला दिया कि ऐसा गिफ्ट दिया है, ऐसा सड़ा गिफ्ट दिया है। तोड़ दूंगा आज मैं इसको। हाँ, बोल देना अपनी अम्मा से। सुनती हो? भूतिया रेडियो दे गई तुम्हारी अम्मा और चल के चला गया, खुद चल गया। रेडियो चल गया, रेडियो चल के निकल गया, ऐसा कैसे बे? भैया कुछ हुआ था क्या? जो हुआ वो नहीं है थोड़ा इज्दा, तू मुझे रेडियो समझ के मारने वाला था हथौड़ा इज्दा। सॉरी भैया। सॉरी माय पुट इज्दा, वो तो अच्छा हुआ मैं यहां से गया उठ इज्दा। मैडम 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 कहाँ है? वेल, मॉम गई हैं दो बाइक पे लेने राउंड इज द हसीना, अगर डॉलर है तो मैं हूं पाउंड इज द। दादाजी ये हलवा है ना, मुझे पीट रहा है, जोरों से घसीट रहा है, इमरजेंसी लाइट ऑन है। अरे कौन हो यार आप, जो इस तरह जबरदस्ती अंकल को बेवजह पीटे जा रहे हो? देखिए भैया, हम है हलवाई, भड़की है लुगाई, हल्दी तीखी है, लाल मिर्च फीकी है। इनकी बिटिया की कल रात शादी थी और खाने पीने का ए टू जेड सारा इंतजाम हम ही ने किया था। हाँ तो क्या हो गया, क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने क्या पैसे नहीं दिए आपके, क्या हुआ? हाँ, इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए और जब तक ये हमारे पैसे नहीं दे देता हम इसके खाल में आलू भर के इसका समोसा बना के इसको बाजार में नहीं बेच दिए ना तो हम हलवाई नहीं, हल्दी तीखी है, लाल मिर्च तीखी है। अरे उसको क्यों यार? वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर, इज द ऑन करो जनरेटर इज द है। दादाजी मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली बात ये हुई कि कल रात को मेरी बेटी की शादी थी और लड़के वाले यानी कि बारात आई ही नहीं। क्यों क्यों ना पहुंचे बारात लेके? जब ड्यू डेट थी मैरिज की तो क्यों ना पहुंचे बारात लेके? बेट कर रहा था वो। क्यों क्यों इस लंगूर की बारात लेके नहीं पहुंचे, जवाब दो। लंगूर ना गई हो? मेरा लल्ला सुंदर है, पति छछुंदर है। और तू के लोमड़ी या सियारन या होशियारन जो कतैया होशियारी झाड़ दी मारे सामने। बेटी के बाप ने 50 लाख रुपए ना दिए तो तुम बारात लेके नहीं पहुंचे, शादी ना करवाई तुमने, ज्यादा होशियारी आ रही है। ओ, जामुनी मंदाकिनी आइयो जरा सामने। जी अभी आ रहा हूं मैं। जिंदगी जो अरे मैडम आप मेरे बेटे को इतना क्यों पीट रही हैं? ये कोई आगरे का पेठा है जो धुने डाल रही हैं सबके सामने हैं? बेटे को मार पड़ी तो बाप का कलेजा बिल्कुल जो है तड़प उठा, दिल टूट गया कतई। यो भी एक बाप से इसकी बेटी की शादी ना हुई, सोचो बारात ना आई, बेट करता रह गया, इसके दिल पे क्या बीती होगी? Well, mom, ये शादी पे जानबूझ के नहीं गए इज्दा, हसीने अगर वीरू हैं तो मैं हूँ जय इज्दा। भैया ये एकदम बकवास था, दो कौड़ी का। हाय हाय। समीक्षा समीक्षा कॉलेज गई है मैडम। समीक्षा दे ले तू कतैया, रिव्यू दे ले इसके इज्दा का, क्रिटिक बन जा।
क्यों ना गए बारात लेके? मैं बताऊं मैडम, मैं बताऊं। देखो मैडम, दरअसल हुआ क्या कि ना मेरे लल्ला को नहाने का कितना शौक है, तुम्हें तो पता ही है मैडम, है? तो मैडम ये शौक शौक में नहाया, खूब नहाया, खूब नहाया। तो मैडम पहले तो हुई इसे छींक आई, पहले तो है, फिर लगी से सर्दी, फिर मैडम इसे आ गया बुखार। मैंने इनसे कही जल्दी ले चलो अस्पताल, मरमर आ गया तो झंझट हो जाएगा। तो मैडम हम इसे ले गए अस्पताल। तो मैडम आधी रात को हमें ले गए इसे अस्पताल, है? डॉक्टर ने निकाली रिपोर्ट, रिपोर्ट में निकल आया मैडम निमोनिया। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, है मैडम? तो रात भर वहां रहे। फिर सुबह मिलके हमने सबने सोचा कि ब्याह का मुहूर्त तो निकल गया है, अब जाने का क्या फायदा। तो मैडम फिर जा ना पाए, है? मेरा लल्ला सुंदर है, पति छचुंदर है। चुप करो तुम। देखिए मैडम, वरना हम तो बस इसकी बारात लेके निकलने ही वाले थे। वो क्या है ना मैडम कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं सबके सामने। हाँ हाँ, लोगों के कुत्ते घुमाते थे। हाय हाय, अरेस्ट करो इन्हें सबको। अरे नहीं नहीं मैडम, एक मिनट देखिए। ए समझी जी, आप ही कुछ कीजिए, कुछ कहिए इनसे। देखिए काम करते ना, दो दिन बाद का एक और मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो इस बार आप तैयारी कीजिए, हम बस बारात लेके पहुंच जाएंगे दो दिन बाद, है सबके सामने, प्लीज कहिए इनसे। मैडम जब इतना वादा करते हैं तो मैं मेरी बेटी के लिए एक चांस लेना चाहता हूँ। क्या है कि ये मेरी शक्कर की लाइफ का सवाल है ना, इमरजेंसी लाइट ऑन है। ठीक, तुम्हारे कहने पे इन्हें एक चांस मैं दे देती हूँ। ठीक दो दिन बाद बारात लेके पहुंच जाना इसके घर, और अगर तो ना हुआ यो तो तीनों की बारात यहाँ लॉकअप में मैं निकालूंगी। आगे बात समझ में? हाँ नहीं नहीं मैडम, पक्का 100% जाएंगे सबके सामने। इब निकलो यहाँ से, चल घर, चल। पहले ना कैसा कह रहा, ऐसा है लड़की के पिताजी, एक बात जो है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने दुनिया देखी है। तक तक तुम तुम तुम। यो दो दिन बाद भी बारात लेके ना आएंगे। यो कतई काइया फैमिली से है, इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा।